बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फरूबा सही। आज की 20 क्लास को पढ़ेंगे। आपको पता है कि आप जो हमारी 15 से ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस चल रही है उसमें हम डायलॉग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो डायलॉग मैंने आपको बताया था कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल होती है, मिनिमम टू पीपल इसमें रिक्वायर होते हैं। और हमने टोटल 3 डायलॉग डिस्कस किए। वो अलग बात है क्लासेस हमारी 5 हो चुकी हैं, लेकिन जो डायलॉग टोटल हमने पढ़े वो 3 है। एक पेशेंट और डॉक्टर का वो डायलॉग था जिसमें पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में पता होता है। दूसरा वो फिजिकल एग्जामिनेशन, वो डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में पूछने के लिए जाता है। ये 2 डायलॉग है। और तीसरा डायलॉग हमने मूविंग टू न्यू हाउस के बारे में पढ़ा, तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस तरह के हमारी क्लासेस डायलॉग की देखी थी वो पहुँच चुकी है, लेकिन हमने 3 डायलॉग ही पढ़े। तो आज हमारा चौथा डायलॉग है और ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान डायलॉग है। अ डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट अबाउट होमवर्क। आप ये रोज ही होता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, रोज होमवर्क के बारे में डायलॉग होता है। अगर टीचर वो होमवर्क बच्चे को देता है तो वो दूसरे दिन जो है ना वो चेक भी करता है कि बच्चे ने होमवर्क किया है नहीं किया है। तो आज हम जो है ना होमवर्क के बारे में देखेंगे कि जब टीचर बच्चे से होमवर्क की नोटबुक मांगता है तो बच्चा कैसे आके चेक करवाता है, क्या करता है, या फिर वो नहीं चेक करवाता है, आज वो हम देखेंगे। जब टीचर क्लास में आता है सब स्टूडेंट बैठे होते हैं और सबसे पहले टीचर कहता है गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया था गुड मॉर्निंग के लिए कौन सी टाइमिंग होती है, 11:59 AM। तो जो है ना हमारे यहाँ स्कूल जो है सुबह के टाइम ही ओपन होते हैं और दिन के टाइम छुट्टी होती है। तो जो सुबह आप खुद देख लें, अगर 8 बजे क्लासेस हमारी स्टार्ट होती हैं तो अगर 1 बजे छुट्टी हो तो तकरीबन आपके सारे पीरियड ऐसे ही होंगे जो 11:59 AM से पहले पहले ही होंगे। तो उनमें गुड मॉर्निंग, एक आध कोई ऐसा पीरियड होगा जिसमें आपको गुड आफ्टरनून कहना पड़ेगा किसी टीचर को। तो इन मेजॉरिटी आप देखेंगे कि टीचर गुड मॉर्निंग की क्लास में बोलेगा, क्योंकि मैं आपको टाइमिंग बता चुकी हूँ 11:59 AM जो होता है ना, इससे जब तक 11:59 AM होता है तब तक हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं और हमारी क्लासेस तकरीबन इससे पहले होती हैं सारी। तो अब स्टूडेंट इन रिस्पॉन्स जवाब देंगे गुड मॉर्निंग सर, और ये भी कह सकते हैं वेरी गुड मॉर्निंग सर। अब जो है ना टीचर एक बच्चे को बोलेगा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारा डायलॉग अबाउट होमवर्क के बारे में है। तो अब टीचर एक स्टूडेंट से कहेगा कि अपनी नोटबुक दिखाओ मुझे। टीचर आसम ब्रिंग योर होमवर्क नोटबुक टू मी। आसम तुम अपनी होमवर्क की जो कॉपी है वो मेरे पास लाओ और मुझे चेक करवाओ। अब स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट सॉरी सर, माजरत सर, आई फॉरगेट माई नोटबुक एट होम। मैं अपनी होमवर्क की जो नोटबुक है ना वो घर पे ही भूल गया हूँ। ये जो फॉरगेट है इसका मतलब होता है भूल जाना, सॉरी का मतलब होता है माजरत करना। अब देखें टीचर आके क्या कहते हैं। टीचर डू यू डू योर होमवर्क। अब देखें आपने खुद कहा है कि मेरी जो होमवर्क की नोटबुक है वो घर रह गई है। तो अब टीचर पूछेगा ना कि अगर तुमने मतलब काम किया हुआ वो तुम नोटबुक घर पे रह गई वो अलग बात है, लेकिन तुमने होमवर्क किया था या नहीं किया था, वही टीचर पूछ रहा है कि तुमने होमवर्क किया था। अब आगे से स्टूडेंट कहता है यस सर बट आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई नोटबुक। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, फॉरगेट में पहले ही बता चुकी हूँ भूल जाना। तो कह रहे हैं हाँ सर मैं लिखा हुआ था लेकिन मैं जो है ना अपनी नोटबुक घर पे ही भूल गया हूँ। तो अब देखें टीचर आगे उसकी बात कैसे सुनते हैं और कैसे आगे इनकी कन्वर्सेशन होती है। टीचर हाउ इट पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन, ये कैसे मुमकिन है। आई थिंक यू आर जस्ट मेकिंग एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना बनाना, मुझे लग रहा है कि तुम बस एक बहाना बना रहे हो। अब टीचर ने पहले ये पूछा है कि तुमने वाकई काम किया हुआ था अपना, तो वो कहता है हाँ बट मैं भूल गया हूँ। लेकिन टीचर कह रहा है, वो पूछ रहा है कि मैं कैसे मान लूँ, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो लग रहा है शायद तुम ये एक बहाना बना रहे हो होमवर्क से बचने का। तो अब स्टूडेंट क्या कहता है, स्टूडेंट सॉरी सर आई हैड टू गो माई अंकल हाउस यस्टरडे। अब स्टूडेंट कह रहा है कि मैं जो है ना अपने अंकल के घर चला गया था कल। तो पहले उसने बोला है कि मैं होमवर्क किया हुआ था, कॉपी क्या रह गया, कह रहा है कि मैं अपने अंकल के घर गया हुआ था। अब आगे टीचर देखिए क्या पूछते हैं। टीचर डिड यू प्रेफर अदर थिंग्स टू योर स्टडी। प्रेफर का मतलब होता है कि बाला तर समझना, क्या तुम अपनी स्टडी से दूसरी चीज को ज्यादा अहमियत देते हो, मतलब अहमियत भी इसको कहते हैं प्रेफर को, अहमियत देते हो। तो अब स्टूडेंट क्या कहते हैं, माई फादर आस्क मी टू गो देर। मेरे अबू ने मुझे कहा था कि अंकल के घर जाओ।
आप जाहिर सी बात है, आप पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो आप ये टीचर ये तो नहीं कह सकते कि आपके अब्बू ने ये कहा था कि उधर जाओ तो आप ये उधर नहीं जाना था, अपने अब्बू की बात नहीं माननी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखिए टीचर आंसर कैसे प्यारे अंदाज में दे रहे। टीचर ओके ठीक है, आपके अब्बू ने कहा था आपको जाना चाहिए था, उनका हुक्म होना चाहिए था, बट यू कुड हैव कम्प्लीटेड योर होमवर्क आफ्टर कमिंग बैक। तो वहाँ अंकल के घर वापस आने के बाद भी तो आप होमवर्क कर सकते थे, वो कंप्लीट कर सकते थे। आप अब्बू ने तो कह दिया अंकल के घर जाना है, तो अब्बू ने ये तो नहीं कहा कि अपनी पढ़ाई को ही छोड़ दो। तो अब स्टूडेंट क्या कहेगा? स्टूडेंट इट वॉज लेट वेन आई कम बैक। अब स्टूडेंट कह रहा है सर जब मैं आया तो मुझे बहुत ही देर हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। इफ यू विल नॉट वर्क रेगुलरली यू विल फेस डिफिकल्टीज इन एग्जाम। डिफिकल्टीज का मतलब होता है मुश्किलात। तो अब टीचर स्टूडेंट को एडवाइस कर रहा है कि अगर तुम अपना होमवर्क डेली बेसिस पे नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इन एग्जाम्स, अपने एग्जाम के दौरान, अपने पेपर्स के दौरान। स्टूडेंट कहता है नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल सर। कह रहा है कि अगली बार मैं मुहतात रहूंगा, मैं अपना सारा काम वक्त पे किया करूंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा ये गलती नहीं होगी। टीचर स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप फिर से एडवाइस कर रहे हैं कि जो पढ़ाई है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। सो नो यू मस्ट डिवेल्प योर हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क डेली। तो अब से जो है ना तुमने अपना काम रोज करने की आदत बना लेनी है। स्टूडेंट आई विल कंप्लीट माई नोटबुक टूडे। अब स्टूडेंट कह रहा है कि मैं जो अपनी नोटबुक है ना वो आज मैं अपनी कंप्लीट कर लूंगा। टीचर कह रहा है वेरी गुड, नो इट नो सिट डाउन, कि बहुत अच्छी बात है कि तुम आज अपना काम करोगे। तो स्टूडेंट कह रहा है कि थैंक यू सर। अब देखें सर ने आप कहा है कि नो सिट डाउन, अब आप बैठ जाओ। तो आगे से स्टूडेंट कह रहा है थैंक यू सर अब बैठने के लिए, वो जो कहा है और उसने जो एडवाइस किया उसके लिए स्टूडेंट बोल रहा है थैंक यू सर। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।